आते हैं देखने के लिए जाते हैं, जब भी हमारे रिपोर्ट हो जाती है आज होटल होया ये आज पैलेस होया ये सब वही बने हुए। वकील आए थे 30,000 कोर्ट से। मैं मनजीत सिंह सलूजा, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पेपर यूट्यूब चैनल। भाई साहब अपना शुभ नाम क्या जी? मैं जगवीर सिंह, ठीक है, गांव मनीरपुर, गांव मनीरपुर, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत मैं रहता हूँ, ठीक है जी। और तो मैंने सुना था भी आपकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे संसद बनी है उसमें आपके पुरखों की प्रॉपर्टी है, तो उसके बारे में थोड़ा बताना दिया विस्तार से अच्छे तरीके से। जो संसद बनी है वो हमारे जमीन में बनी है और हमारे बुजुर्ग वहाँ रहते थे पहले, ठीक तो है। वहाँ जो जमीन रिक्वायरमेंट हुई उसमें कुछ थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया था सरकार ने। अच्छा। हाँ, तो वो थोड़ी बहुत जमीन यहाँ के मनीरपुर गांव में, वो कुछ हमारे हरसाणा मालसा में रहते हैं, कुछ सफियाबाद गांव में रहते हैं, ये सब वहीं रहते थे पहले। वहाँ से फिर कुछ जमीन हमारी रिक्वायरमेंट से बाहर थी, श्यामला थी वो, तो उस 19 एकड़ के करीब है वो। अच्छा। जिसमें सरोजनी नगर रेलवे स्टेशन के साथ लगती है, ठीक है, और वहाँ पर एक छोटा सा शनि मंदिर भी बना हुआ है, कुछ DDA कवर कर रही है उसको, कुछ फंड वाले ले रहे हैं, लेकिन हमारे को उसमें से कुछ आज तक नहीं दिया, ना हमारे बुजुर्ग को दिया ना हमारे को दिया। और हमारे को तो ये और कहते हैं अभी तो जी 1857 की लड़ाई में सारा परिवार खत्म हो गया था, ऐसे करके कुछ वे बैठे हुए हैं हमें, तो वो सारी कवर करे बैठे हैं, अपने कब्जा करे बैठे हैं। और हमने पीछे जी उस पर केस भी डाला था कोर्ट में 30,000 कोर्ट में। हाँ, ठीक है। उसमें LD मॉल थे हमारे एडवोकेट, तो वे कुछ हमारी भी लापरवाही थी, हम तारीख पर नहीं जा पा रहे थे, तो केस हमारा थोड़ा डिसमिस हो गया है। और हमारे जो बुजुर्ग थे वे 1857 में उन्होंने जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई उसमें बहुत सहयोग किया, और उसके हमने सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं। एक संस्था है गुजर ट्रस्ट, उसमें मेरे को वहाँ नेहरू स्टेडियम में बुलाकर बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया और सम्मान किया हमारा, और उन्होंने हमारे को एक एडकपुर गांव मोची गांव के नाम से भी एक सर्टिफिकेट मेरे को मिला हुआ है। और एक सर्टिफिकेट मेरे को हमारे जो बुजुर्ग थे उनके नाम से भी मेरे को भी मिला हुआ है, और बहुत अच्छा स्वागत किया उन्होंने हमारा। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसे प्रोग्राम में हमारे को याद किया, और हमारे पीछे की जो अंग्रेजों के टाइम तक को हमारे को याद दिलाया उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, और आपके चैनल का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमारे को याद किया। थैंक यू सर। लेकिन जो वो जो आपको सर्टिफिकेट मिल रखा है गुज्जर भाईचारे वालों, तो वो किस वजह करके दिया? 1857 की लड़ाई के लिए दिया? जिन्होंने 1857 की लड़ाई में वो लड़ी थी। हाँ जी, उनके राजा महाराजा आए थे यहाँ लड़ने के लिए अंग्रेजों से। हाँ जी, उसमें हमारे बुजुर्गों ने उनका साथ दिया था राजा महाराजाओं का, और उनके साथ खड़े हुए थे वे, उनके साथ लड़ाई लड़ी थी, तो वे सर्टिफिकेट उन्होंने दिए। तो उनको कैसे आपका पता चला किसके लिए? वे हमारे को बोल रहे थे सारा कि हमने 10 साल हो गए हम वहाँ मोतीबाग जाते थे, तो वहाँ पर सब ये कह देते थे वे तो 1857 की लड़ाई में सब गुजर गए, उनका कोई परिवार नहीं बचा है। लेकिन एक हमारे को पूछते हमारे राधे श्याम जी हैं मालचा वाले, उनके पास कोई न्यूज वाला या कोई चेयरमैन थे वे पहुंचे, तो उन्होंने उनसे संपर्क किया, वे मेरे पास लेकर आए, तो फिर हमने उनको सारी बातें बताई,
तो वे भी खुश हुए और भाई हाँ आप ही है उसी परिवार से है और उसी गांव से है और ये हमारे पूरे गांव की है जी। ठीक है, तो राधे श्याम जी ने उनसे मुलाकात करके दे आपसे मुलाकात करवाई। हाँ जी। ये कब आपको सर्टिफिकेट दिया गया? ये सर्टिफिकेट जी मैं दिखा लो, दिखा लो डेट है। दिनांक 14 मई 2023 को दिया गया था जी। 14 मई 2023 को। हाँ, अभी तो साल भी नहीं पूरा होगा। हाँ, अभी साल भी पूरा नहीं हुआ। थोड़ा उतर करके दिखा दो। हाँ, ये सर्टिफिकेट दिया था जी। कैमरामैन जरा कले सर्टिफिकेट से ही फोकस मारना। ठीक है, ये हमारे को दिया था जो हमारे बुजुर्ग थे, जो मेरे परदादा थे, उनका नाम था राम जिला। ठीक है, उसके दिया, उसके उनको पूर्वजों को दिया गया है। बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है जी, एक ये सर्टिफिकेट दिया उन्होंने गांव का, पूरे गांव का, पूरे गांव का, एडकपुर गांव का, एडकपुर बाग मोची। ठीक है, एक मेरे को उन्होंने शील्ड दिया जी। शील्ड भी दिखा दो, इसकी भी पर फोकस मारना है कैमरा मैन। ये शील्ड दिया था जी इन्होंने। ये गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट रजिस्टर्ड। हाँ, ये तारीख डाल रखी है 14 मई 2023। चलो, ये तो आपको बहुत अच्छा है। तो आपके पास प्रॉपर्टी पे के भी कागज हैं आपके पास? हाँ सर, मेरे पास प्रॉपर्टी के कागज हैं। ये वहां से जब मैंने निकलवाए थे वर्दू के कागज थे जी मेरे पास। ठीक है, और वर्दू के कागजों से मैंने हिंदी करा दी है। ठीक है, उर्दू के कागजों से हिंदी कराई है। हिंदी करवा दी बस, कोई नहीं, एक पेपर दूसरे दिखा दो। ये मेरे पास उर्दू के कागज थे सर मेरे पास, और इनकी मैंने हिंदी करा रखी है, और हिंदी में पता चला कि हमारे बुजुर्गों की ये जमीन है, और ये जमीन थी, और ये 19 एकड़ के आसपास है। अब भी उसमें भूमाफिया बैठे हुए हैं और हमारे पंजे कहीं नहीं टिक पा रहे हैं, न टिकने दे रहे हैं जी। ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार से अपील करेंगे कि उसको थोड़ा इनको जमीन दलवाई जाए। ठीक है, लो रख देते हैं इसको। ठीक है जी, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है गांव, कब उठाया गया था आपका? देखो जी, हमारा गांव तो वहां 1915 में एक्वायरमेंट हुई थी जमीन। अच्छा, 1915 में एक्वायरमेंट हुई थी, उसमें हम कम से कम सैनी साहब तो कह रहे थे, 45 कादी गांव वाले सैनी साहब कह रहे थे 2011 में हमारी वहां पे जमीन एक्वायर हुई थी। हाँ, वो 15 में, 14 में कहते हैं वहां से, 14-15 में हम नहीं आए थे। अच्छा, हम बाद में आए थे, हम आए होंगे कम से कम भी 60-65 में आए होंगे। अच्छा, फिर कहाँ चले गए 2014-15 से? वही थे। अच्छा, वही थे। हाँ जी, तो वही आप रह रहे थे। ये तो लोग 2014-15 में आ गए थे जब संसद बन गई। हाँ, ये तो आ गए थे ना जी, हमारी कुछ जमीन इसमें लगती थी, एडकपुर बाग मोची में। अच्छा, आप एडकपुर मोची में चले गए। हाँ, वही रहते थे यहाँ, मोती बाग, मोती बाग, जिसको मोती बाग बोलते हैं, मोती बाग गुरुद्वारा है गुरु नानक जी का। हाँ, गुरुद्वारे के पीछे भी हमारे गाँव वाले रहते हैं। अच्छा, अभी भी रहते हैं। फिर उन्होंने क्यों नहीं बताया भी ये लोग वहाँ पे चले गए हैं, या उनको नॉलेज नहीं थी? ऐसा जी, वे भी यही रहते थे, लेकिन वे अपनी जमीन पर काबिज रहे वहाँ। अच्छा, ठीक है, आपका आवाज वहाँ पे रहे। हाँ, तो यहाँ पे भी जब सोनीपत में आप आए, कब आएंगे? यहाँ तो आए होंगे जी, पहले हमारे एक दादाजी आए थे। हाँ जी, उन्होंने आके यहाँ, मेरे दादा थे जो राम जिला और सनोप जिया लाल कल्लू बाजार थे, यहाँ दिल्ली में, वहाँ मोती बाग में। ठीक है, तो वे यहाँ आके हमने जमीन खरीद ली थी, कुछ रहते थे वहीं थे तब भी। फिर आस्ता 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 हम यहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो वहाँ कुछ कमाने लायक का कोई साधन शुद्ध थे नहीं, तो वहाँ फिर हमने यहाँ पर अपनी खेती करनी चालू करी, फिर यहाँ शिफ्ट हो गए। तो आपकी आपकी प्रॉपर्टी में क्या चीज बनी है? हमारी प्रॉपर्टी में तो जी गवर्नमेंट ने जो एक्वायरमेंट की थी उसमें तो फ्लैट वगैरह, ये होटल आटल, ये हाथ होटल, ये सब वही है। ताज होटल होया, ये ताज पैलेस होया, ये सब वही बने हुए हैं। और हमारी कुछ जमीन है जो वो खाली पड़ी हुई है। अच्छा। और उसमें
गवर्नमेंट थोड़ी वो एक्सेप्ट कर रही हुई है कि भाई तुम कैसे प्रोसेस करोगे, ऐसे करोगे, हमारे को वैसे कुछ भू माफिया बैठे हैं थोड़े, अच्छा, जो कि उस जमीन पर हो गया, एक हमारे गांव के बैठे हैं, उन्होंने थोड़ा सा उस जमीन पर कब्जा, शनि मंदिर वगैरह बनाया हुआ है, तो वो कह रहा मेरी है, सरकार कह रही है हमारी है, ना हमारे को मिल रही है ना उसको मिल रही है, ठीक है, रोड़े में ही है, रोड़े में ही है वो प्रॉपर्टी जी, अगर कोई सरकार हमारी मदद करे तो कुछ हमारे को भी दिया दिया जाए, क्यों कि हम भी अंग्रेजों के साथ लड़कर, हमने तो ज्ञान बाद में हुआ नहीं जी, हमारे बुजुर्ग तो गुजर गए थे, ठीक है, हाँ, तो हमने तो बाद में पता चला कि तुम्हारी जमीन वहां भी है, ठीक है, तो हमने फिर कागज निकलवाए, फिर ये फिर कागज आपने कहां से निकलवाए? मैं 30,000 ट्रेजेडी से निकलवाई, 30,000 ट्रेजेडी से, वहां पे रिकॉर्ड है अभी, वहां रिकॉर्ड है अभी वर्दू में है, और फिर वहां से मैंने जाकर सोनीपत के तुम्हारी जमीन है, तो उसके हमने ये भी नहीं मेरा थी, हमने तो अभी तक इस प्रॉपर्टी का होगा क्या, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है सर, और कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। नहीं जी, बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे पास आप आए हो जी, आपकी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आपकी प्रॉपर्टी थी सर, जिसके बारे में आप बता रहे हो अभी, मतलब जब से मतलब ये चल रहा है आपका मैटर, चल रहा है जो भी केस चल रहा है आपका, इसमें आपने डॉक्यूमेंट लेकर आपने मतलब कभी कोशिश नहीं की, मतलब इसके बारे में कोई सीरियसली सरकार जांच पड़ताल करे, मतलब या कोई इसका निकाल ले, मतलब कोई केस इसको सुलझ जाने की कोशिश की आपने, कहीं जाने की कोशिश की? ऐसा अभी हमारे पास वकील आए थे 30,000 कोर्ट से, अच्छा, उन्होंने हमारे को ऑफर भी किया था, भाई तुम थोड़े पैसे ले लो, हम आप सुलझा देंगे, आप इसके अंदर मत आओ। तो फिर मतलब आपका क्या था कहना उसके बारे में जब वो? फिर हमने कहा था देखो जी, हम जमीन तो हमारी है, आप हमारे से सही डील करोगे हम कर लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम किसी एक बंदे को तो जिसके 50 गज बाट आती है उसको तो दे रहे हैं 600 करोड़ रुपया, हमारे को दे रहे 90 करोड़ रुपया, तो हम क्यों लेंगे? ये जमीन आपकी खुद की है या मस्तक का खाता है? नहीं जी, ये तो हमारी जो जमीन हो है ना जी, ये इसमें तो फर्ज में तो खुद दिखा रखी है जी। आपके नाम क्या? आपके दादाजी के? दादाजी के, दादाजी के, दादाजी के, दादा राय जमीन है, ठीक है, आपके दादा के नाम पे ही बोल रहे हैं जी, ठीक है। चलो, जो आपकी जमीन हो दिल्ली महकमे के अंदर आती है अभी के टाइम पे, तो फिर आपने मतलब कभी दिल्ली पुलिस थे या जो दिल्ली पुलिस प्रशासन है या वहाँ की जो दिल्ली सरकार है, वहाँ अपने कभी मतलब जाने का कोई ऐसी कोशिश नहीं की भाई जागा में कम से कम पता तो करें एक बार? हमें वहाँ जाते हैं देखने के लिए जाते हैं जब भी हमारे रिपोर्ट हो जाती है। अच्छा, मतलब क्यों इसका क्या? ऐसे भूमाफिया बैठे हुए हैं जो की वे 100 नंबर पर कॉल करके हमारे को पकड़वा देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आपके कहने का वो कुछ होने नहीं दे रहे आगे पास? डॉक्टर साहब अपने जगवीर सिंह जी पड़दादे के नाम पे है, यही है ना, पड़दादे के नाम पे है, पड़दादे के नाम पे, हमारे पूरे गांव की है जी, इसमें जितने भी ये फर्द में नाम है इनके सबकी है, ठीक, और मेरी अकेले की भी नहीं है, बाकी मैं कहूँ मेरी अकेले की है, मतलब सबकी की भी नहीं है, अकेले की भी नहीं है, सबकी है, पूरे गाँव की है, ठीक है। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।